ओके चलिए तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं EIGRP के जो दो पैकेट टाइप्स बचे हैं हमारे, क्वेरी एंड रिप्लाई टाइप 3 एंड टाइप 4 पैकेट्स, है ना। और EIGRP की रूट स्टेट्स की बात कर लेते हैं कि जैसे EIGRP जब आप रन करते हैं किसी भी एक एनवायरनमेंट में राउटर्स के अंदर, तो जब शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी कमांड रन करते हैं, आप टोपोलॉजी डेटाबेस चेक करते हैं, तो उसमें आपको अगर एक स्टेबल EIGRP नेटवर्क है ना, और वहाँ जहाँ पे ज़्यादा चेंजेज नहीं हो रहे हैं आपके रूट्स के अंदर और वो सब चीज़ें, तो आपको लिखा मिलना चाहिए पी हर एक रूट की एंट्री के आगे। पी होता है पैसिव। तो पैसिव का मतलब है कि EIGRP का जो डोमेन है, जो राउटर है, उसके पास सक्सेसर पड़े हुए हैं हर एक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, उसके पास एक बेस्ट रूट मौजूद है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, वो रूट स्टेबल है, वो जो आपका नेटवर्क है स्टेबल है, और EIGRP एग्जैक्टली नोज व्हाट टू डू इन विच काइंड ऑफ सिनेरियोज, है ना। ठीक है जी। तो दूसरा क्या है कि आपका कब हो सकता है एक्टिव, और ये आपका उस सिनेरियो में है जब मैंने पहला एक एग्जांपल तो आपको दिया था, व्हेन यू हैव अ पुअर EIGRP नेटवर्क डिजाइन चॉइस, है ना। तो वहां पे आप इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं या फिर अपने जो डिफॉल्ट बिहेवियर छोड़ा हुआ है और मैनिपुलेशन कुछ इस तरह से नहीं कर रखा अपने लिंक्स में बैंडविड्थ एंड डिले के साथ कि आपका कोई बैकअप रूट ही क्रिएट नहीं हो रहा है ना, आपका फिजिबल सक्सेसर नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि फिजिबिलिटी कंडीशन मैच नहीं हो रही है। तो उस केस में क्या होना है कि भाई जो आपका नेटवर्क है, अगर सक्सेसर बेस्ट पाथ डाउन हो जाता है, तो EIGRP ट्राई करता है फिजिबल सक्सेसर को ढूंढने की और उसको सक्सेसर बनाने की, पर वो तो मौजूद ही नहीं है हमारे पास, नेटवर्क में है ही नहीं आपके डेटाबेस में। उसके टाइम पे राउटर्स क्या करते हैं फिर EIGRP में, कि अपने नेबर से पूछते हैं कि भाई मेरे पास तो बेस्ट पाथ था वो डाउन हो गया, और जो मेरा सेकंड बेस्ट पाथ सक्सेसर जो होना चाहिए था वो मेरे पास है नहीं, तो क्या आप लोगों को पता है कि इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाने का क्या रूट कोई है क्या आपके पास। मान लो इसने लर्न कर रखा था R1 से R5 पे इस रूट तक जाने, इस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, ये इसका क्या था बेस्ट पाथ था, जिसको ये क्या बोल रहे हैं आपके सक्सेसर बोलते हैं, और वो आपकी FD वाली जो वैल्यू है ना, फिजिबल डिस्टेंस वाली जो रूट है उसको इन्होंने बोल दिया सक्सेसर। चलिए, अब ये हो गया डाउन और इसके पास कोई फिजिबल सक्सेसर बैकअप नहीं था, तो अब उस केस में R1 क्या करेगा, अपने नेबर्स को एक क्वेरी पैकेट मल्टीकास्ट करेगा, और मल्टीकास्ट IP पता ही आपको .10 पे। ठीक, तो जो मल्टीकास्ट वाला सॉरी जो क्वेरी वाला पैकेट है वो किस तरह का पैकेट जाएगा आपका, मल्टीकास्ट। तो ये राउटर 2 भी लिसन करेगा और राउटर 3 भी। अब राउटर 2 ट्राई करेगा कि मेरे पास है क्या वहां तक जाने का पाथ, अगर है तो वो बता देगा। अब ऐसे ही R2 भी बताएगा, R3 बताएगा, दोनों के पास है, फिर अगेन सेम वो लॉजिक चलेगा इस पे, सक्सेसर जो ढूंढते थे ना फिजिबल डिस्टेंस वाला, तो जिसकी मेट्रिक कम होगी उसी को वो बना देगा बेस्ट। अब मान लो R2 के पास भी नहीं है, R3 के पास भी नहीं है, ये अब अगले नेबर से पूछेंगे, अपने नेबर से, वो उनके नेबर से पूछेंगे, तो ये पूरा प्रोसेस पूरी चेन चलती रहेगी, कब तक, जब तक कि किसी ना किसी के पास रिप्लाई में वो पाथ नहीं आ जाता है ना। तो अगर पाथ आ जाता है, मान लो इसने इसको रिप्लाई कर दिया कि मेरे पास पाथ था और तुम ये नेक्स्ट हॉप यूज कर सकते हो वहां तक जाने के लिए, ठीक, तो जो क्वेरी का रिप्लाई आता है उस पैकेट को रिप्लाई ही बोलते हैं, रिप्लाई पैकेट, और ये होता है यूनिकास्ट। तो जो भेजने वाला था, जिस राउटर ने आपकी क्वेरी भेजी थी, सिर्फ उसी को रिप्लाई पैकेट्स भेजे जाते हैं नेबर राउटर्स के द्वारा। तो इस तरह से क्वेरी एंड रिप्लाई काम करते हैं। स्टक इन एक्टिव एक स्टेट होती है, एक्टिव तो हो जाए चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार को मान सकते हैं, और उसके क्वेरी के रिप्लाई अगर आ जाए और फिर नया बेस्ट पाथ मिल जाए आपका सक्सेसर, चलो जी फिर ठीक है, थोड़ा बहुत डाउन टाइम रहेगा, कन्वर्ज होने में आपको EIGRP को टाइम लगेगा, बट हौली हौली हो जाएगा प्यार, और ये सब दोबारा से इसके पास एक बेस्ट पाथ आ जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन दिक्कत तब है जब किसी भी राउटर ने रिप्लाई ही नहीं किया कि भाई मेरे पास कोई बेस्ट पाथ है ना, सारे रिप्लाई आ लिए और किसी में इसको बेस्ट पाथ नहीं मिला, तब ये उस रूट को फिर स्टक इन एक्टिव स्टेट में डाल देगा कि वहां तक जाने के लिए मेरे पास कोई रूट अवेलेबल नहीं है, और अब इसकी एंट्री जो टेबल में पहले पड़ी हुई थी ना वो सारी की सारी इसने फ्लश कर दी होंगी, क्योंकि इट डजेंट हैव एनी प्रॉपर और एनी पाथ टू गो टू दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है SIA, स्टक इन एक्टिव, जब हमेशा के लिए काइंड ऑफ आपका राउटर उसमें फंसा रह जाता है, उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए इसके पास अब कोई रास्ता नहीं है जाने का, कोई बेस्ट पाथ नहीं है। ओके, तो जी पैसिव हुआ, जब रीचेबल होंगे कोई ना कोई आपके पास सक्सेसर पड़ा रहेगा, तो स्टेबल मीन्स आपके पास हमेशा कोई ना कोई रूट मिलेगा, है ना। तो
हमें पता है भाई EIGRP के पास पावर है एक बैकअप रूट अपने कैलकुलेट करके रख लेने की, पर अगर नहीं हो तो क्या होगा, है ना? तो रूट किस में चला जाएगा? एक्टिव स्टेट में। तो ये कब जाएगा? जब आपका जो सक्सेसर है ना, वो फेल हो गया, एंड फिजिबल सक्सेसर भी आपका फेल हो जाए, या फिर सक्सेसर फेल हो जाए और कोई फिजिबल सक्सेसर हो ही ना, उस केस में तो क्या होगा? फिर राउटर्स जो है EIGRP के, वो फोर्स किए जाएंगे क्वेरी पैकेट्स भेजने के लिए, ताकि वो रिकन्वर्ज हो पाए, है ना, दोबारा से नेटवर्क अप आ पाए। चलिए जी, तो इसलिए यहाँ पे आप देख लो ना, ये सारी चीजें वही लिखी हुई है कि मल्टीपल रूट्स इन एन एक्टिव स्टेट। अगर बहुत सारे रूट्स आपके टोपोलॉजी टेबल में ऐसे पड़े हैं जो एक्टिव है, तो इसका मतलब आपका EIGRP नेटवर्क बहुत बेकार है, बहुत अनस्टेबल है ना, और शिकायतें आपकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेटवर्क से आपको आती रहेंगी अनरीचेबिलिटी की, ठीक है? और अगर फिजिबल सक्सेसर अगर कम से कम पड़ा हुआ है, तो कभी भी कोई रूट एक्टिव स्टेट में एंटर नहीं करना चाहिए, ये तभी हो पाएगा। और ये जब आपके पास एक अच्छा डिजाइन होगा, जब आपके पास यू नो बैकअप रूट्स ऐसे हों जो फिजिबिलिटी कंडीशंस को मैच करते हैं, ठीक है? एक्टिव स्टेट्स, रूट अनस्टेबल, ड्यूअल क्वेरी पैकेट, आस्किंग टू द नेबर्स इफ दे हैव अ लूप फ्री, तो ये बहुत जरूरी है, लूप फ्री पाथ टू डेस्टिनेशंस, जिसके लिए आप पूछ रहे हैं, तो रिप्लाई आएगा नेबर्स से, तो क्वेरिंग जो राउटर है जो पूछ रहा है उसको बताएंगे कि वैलिड पाथ के बारे में, और तभी बता पाएंगे जब होगा इनके पास, है ना? अगर नहीं है कोई पाथ ऐसा, तो अपने नेबर से पूछेंगे कि क्या उनके पास कोई है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई ना कोई राउटर एक ऐसा रिप्लाई नहीं भेज देता कि भाई मेरे पास है, या फिर जब ऐसा नहीं हो जाता कि सारे के सारा जो ये प्रोसेस है कोई भी क्वेरी का रिप्लाई नहीं भेज पाता, क्वेरी का पैकेट ही एंड हो जाता है लेकिन रिप्लाई नहीं आता उसका, ठीक? और कोई सक्सेसर तब तक नहीं बन पाएगा जब तक राउटर को अपनी क्वेरीज के आंसर नहीं मिल जाते। चलिए जी, तो फेल्स टू रिकन्वर्ज, अगर ऐसा हो जाता है कि भाई कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई ऐसा रूट मिला ही नहीं है उसको, तो अब ये किसमें फंस गया फिर आपका? SIA, स्टक इन एक्टिव, तो उसमें ही फंसा रहेगा, अब वो अनस्टेबल ही रहेगा जब तक आप मैनुअली कुछ नहीं करते। तो आप जब शो IP या EIGRP टोपोलॉजी करोगे ना, उसमें ए लिखा आएगा फिर आपको। रीजन क्या हो सकते हैं SIA के? तो या तो आपके CPU पे इतना लोड है, आपके जो प्रोसेसर्स पे, कि भाई वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है आपके क्वेरी को। मान लो एक नेबर ने रिसीव किया क्वेरी पैकेट, अब वो बाकी कामों में इतना बिजी है भाई, तुम्हें होता ना बेचारे छोटे से नॉर्मल से ब्रांच राउटर से, तुम बहुत हैवी काम करवा रहे हो, उस पे ACL भी है, उस पे यू नो ये वाले काम भी करवा लिए, वो वाले काम भी करवा लिए ना, तो उसके पास तो लिमिटेड रैम एंड CPU साइकिल्स है, कहाँ कहाँ यूज करेगा, समझ रहे हो? तो उस केस में क्या हो सकता है कि वो क्वेरी पैकेट्स को आपके ड्रॉप कर सकता है। चलिए जी, और अच्छा दूसरा क्या हो सकता है कि लिंक जो आपका है, मान लो R1 to R2, जहां से आप क्वेरीज भेज रहे हो ना, और हो सकता है कि वो लिंक अब क्या हो रहा है, सेचुरेट हो रखा है, वो बाकी सारे जो ट्रैफिक है, कंजेस्टेड कोई लिंक है ऐसा, तो वो क्वेरी पैकेट्स को प्रोसेस वहां से लेके जा ही नहीं पा रहा है ना, तो ड्रॉप कर दे रहा है। यूनिडायरेक्शन लिंक हो गया, जैसे फाइबर के केस में होता है कि आप सेंडिंग तो कर पा रहे हो, मान लो आपने क्वेरी भेज तो दिया पर उधर से रिप्लाई आने थे, अब वो रिसीव नहीं कर पा रहे हो आप, तो ये कई सारे रीजन है जो हो सकते हैं जिसकी वजह से फंसा रह सकता कोई भी रूट एक यू नो स्टक इन एक्टिव में। और एक और चीज याद रखिए जरा, कि ये जो स्टक इन एक्टिव स्टेट है, ये राउटर की नहीं होती, ये रूट्स की होती है, क्योंकि जो राउटर्स हैं वो स्टक इन एक्टिव या फिर जो क्वेरी पैकेट्स हैं, वो सिर्फ उन्हीं रूट्स के लिए भेजते हैं जिनका उसके पास बेस्ट पाथ ना हो, सबके सबके लिए नहीं भेजते दोबारा से, जिनका सक्सेसर पड़ा हो, जिनका फिजिबल सक्सेसर पड़ा हो, उनके लिए इसको दोबारा से क्वेरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो स्टेबल है, कन्वर्ज्ड है, तो जो मिसिंग है सिर्फ उनके लिए ये क्या करता है, आपका क्वेरी भेजेगा। तो ये एग्जांपल लिखा है, बहुत यू नो सिंपल वर्डिंग है, आप समझ जाओगे। और ये कुछ कमांड्स है वेरिफिकेशन के लिए, करंट स्टेट ऑफ ऑल द रूट्स, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, सब देखने हैं एक्टिव पैसिव, या सिर्फ एक्टिव रूट्स देखने हैं, तो शो IP EIGRP टोपोलॉजी एक्टिव। ओके, तो आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है, हमने डिस्कस किया अभी क्या कि जो हमारे Type 4 and Type 3 पैकेट्स हैं अपने क्वेरी एंड रिप्लाई, तो किस केस में यूज होंगे। मैंने बताया था आपको शुरू के एक वीडियो में कि स्पेशल केस सिनेरियोज में हम हमेशा ये यूज नहीं होने कुछ केसेस में, और ये एक वो केस है जब आपके पास ना तो सक्सेसर है किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, और ना कोई फिजिबल सक्सेसर, कोई बैकअप रूट भी नहीं है आपके पास। अब उसके केस में राउटर्स क्वेरी जनरेट करेंगे, उसका फिर उधर से रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, उसके बेस पे फिर वो एक्टिव कुछ टाइम के लिए रहेंगे या फिर स्टक इनएक्टिव रहेंगे, वो डिपेंड करेगा फिर। ओके,
और ये कुछ कमांड्स है वेरिफिकेशन की, एंड ये सारा का सारा गेम किसका, EIGRP का, ड्यूअल के थ्रू। एंड यही है शायद, इसमें और कुछ ऐसा नहीं बचा है जो हमें डिस्कस करना हो, है ना। तो अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे। एक हमने वीडियो रखी थी लास्ट में कि कैसे क्या था वो, नंबर 3 आई गेस वीडियो थी EIGRP की, जिसमें नेबरशिप के प्रोसेस को हमने ग्राफिकली समझा था कि उसमें पांचों टाइप के, यू नो, तीन टाइप के एक्चुअली जो हमने पैकेट्स देखे थे, हेलो, अपडेट एंड एक्नोलिजमेंट, है ना, कैसे RTP को यूज कर रहे थे। यहाँ पे मैं टाइमर्स और इन सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ना। आई गेस इसमें पैकेट टाइप्स भी होगा या फिर शायद अलग से उसकी वीडियो रहेगी, तो देख लेते। तो ज्यादा लंबी ना खींचते हुए इसको, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।